नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रसनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा का पर्सनल डाटा चुराकर 20 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। दरअसल इस पूरे मामले में विजय पाल शर्मा ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में एक शिकायत दर्ज कराई और वहीं नोएडा के SSP अजय पाल शर्मा का यह कहना है कि विजय शर्मा ने 20 सितंबर को एक FIR दर्ज कराई थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो जापान में थे तो उनके पास थाईलैंड के एक नंबर से फ़ोन आया था और ब्लैक मिरर का वो फ़ोन था जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास विजय शर्मा का पर्सनल डाटा है, अगर वो 20 करोड़ रुपये उन्हें नहीं देते हैं तो वो जो डाटा है वो सार्वजनिक कर दिया जाएगा और उसके बाद विजय शर्मा की इमेज भी खराब हो सकती है। और जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की और साथ ही उसमें उनकी ही कंपनी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, ब्लैकमेलर ने साथ ही ये भी कहा कि वो जो डाटा है वो उनकी ही कंपनी यानी पेटीएम के ही 2 कर्मचारियों देवेंद्र और राहुल नाम के 2 युवकों से मिला है और देवेंद्र और राहुल को वो डाटा कंपनी की विजय शर्मा की सेक्रेटरी सोनिया से मिला है, जिसके बाद से लगातार छानबीन की गई और नोएडा की जो पुलिस थी वो सेक्टर 5 पेटीएम ऑफिस पहुंची, जिसके बाद इन 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, साथ उन्होंने कहा कि जो 20 करोड़ की फिरौती मांगी गई उसमें से 10% राहुल और देवेंद्र को मिलने वाला था, जिसके बाद लगातार विजय शर्मा ने FIR दर्ज कराई, पुलिस ने छानबीन की और इस मामले में कंपनी के ही 3 जो कर्मचारी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि विजय शर्मा का ये कहना है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनके ही कंपनी के 3 कर्मचारियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।